दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर क्रिकेट का रंग सर चढ़कर बोल रहा है। डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित डूंगरपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का आतिशी आगाज लक्ष्मण मैदान में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन रहे। वहीं अध्यक्षता जिला कलेक्टर अंकित सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजस्थान क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव राजेश बड़ाना, सवाई माधोपुर के डीसीसी सचिव सुमित गर्ग, प्रतापगढ़ से चंद्रेश आंजना, उदयपुर न्यूज चैनल के प्रधान संपादक मनुराव, प्रबंधक प्रदीप सिंह भाटी, पार्षद अजय पोरवाल, राजेंद्र पंड्या, अभिनव जैन और वीरेंद्र शर्मा मौजूद रहे। साथ ही मंच पर सुबोध सरैया, दिग्विजय सिंह चुड्डावत, केसरी मल जैन, धनराज गोवाड़िया आदि मौजूद रहे। डीपीएल सीजन 2 के आगाज पर डीसीए के सचिव सुशील जैन और डीपीएल के पदाधिकारियों ने सभी का माला पहनाकर और प्रशस्त पत्र देकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने 17 साल पुरानी यादों को ताजा करते हुए सभी डूंगरपुर वासियों को लगातार आगे बढ़ने की बधाई दी और डीपीएल के माध्यम से खिलाड़ियों की आगे बढ़ने की बात कही। वहीं उदयपुर न्यूज की प्रधान संपादक मनु राव ने डीसीसी सचिव सुशील जैन की मेहनत को सलाम करते हुए उनके क्रिकेट प्रेम और खिलाड़ियों को हमेशा आगे बढ़ाने की जुनून की तारीफ की। वहीं सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, खिलाड़ियों का प्रचार करने की बात कहकर की। 17 साल बाद आया हूँ इस मैदान में, इस लक्ष्मण मैदान में आकर के वापस से बहुत अच्छा लगा। मैं 2007 में जब यहाँ कलेक्टर था तब इतने कई कार्यक्रमों में यह भाग लिया और तब कभी नहीं सोचा था कि वापस लौटना होगा, कोई तरीका ही नहीं था। कौन सा बांसवाड़ा संभाग बनेगा और मैं डीसी बन के यहाँ आऊँगा, पर चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने से आप सब लोगों से, पुराने लोगों से मुलाकात हुई। देख करके अच्छा लगा कि इस ग्राउंड को ने नई ऊंचाइयां हासिल कर ली। आप सब लोगों को बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। यह ग्राउंड कई अद्भुत घटनाओं का साक्षी बना है। मुझे विश्वास है कि डूंगरपुर प्रीमियर लीग का ये द्वितीय संस्करण और नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। आज मुझे लग रहा है कि घास बहुत अच्छी है, पिच भी अच्छा ही होगा और ये संस्करण और आगे डीपीएल बहुत आगे तक चलता जाए। जो पदाधिकारी इसको कराते आए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डीपीएल आईपीएल के लेवल पे पहुंचे और एक दिन इस ग्राउंड में अपन रणजी वणजी करवाएं, ये भावना लेकर के अपन विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। खेल का समय है, भाषणबाजी बस इतनी बहुत है, गेम खेलते हैं। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुशील जी को जब से मैं जानने लग गया और ये जितना जब तक उठते हैं, जितना जागते रहते हैं उसमें से ज्यादातर समय क्रिकेट को देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियां जरूर बजाइए क्योंकि इनका स्टेटस देख लो, इनकी स्टोरी देख लो, ये बातें करेंगे तो क्रिकेट की करेंगे, सोएंगे तो क्रिकेट के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और डूंगरपुर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जो योगी शख्स आपको मिले हैं डीसीए को, और ये खिलाड़ियों को बहुत आगे ले जाएंगे। और उदयपुर न्यूज हमेशा खेल प्रेम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में। कार्यक्रम के दौरान समानता मंच ट्राइबल के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने डूंगरपुर के क्रिकेट प्रेम की जानकारी देते हुए मंच पर मौजूद आरसीए के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि डूंगरपुर फिर से क्रिकेट में आगे बढ़ा है और आरसीए की राजनीति में इसे नहीं फंसना है, इसलिए डीसीए सचिव सुशील जैन को हमेशा साथ रखे क्योंकि उन्होंने डूंगरपुर के क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी है। क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, हाथियों के दंगल में शेर का नहीं पीसने देना है। केसरिया और तिरंगा वहां बदलते रहे, सुशील जैन सच्चे क्रिकेटर है और खुद क्रिकेट है, उन्हें नहीं रखा गया तो डूंगरपुर कभी माफ नहीं करेगा। उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए आरसीए के पदाधिकारी गण, कई जिला संघों के सचिव और मेरे यहाँ स्थानीय डीसीए के
पदाधिकारी और आयोजन सचिव भाई सुशील, वरिष्ठ क्रिकेटर राजू भाई, वीरेंद्र सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि मुझे मंच पे आमंत्रित किया था अतिथि बनके, तो मैं मान्य अतिथि को बताऊं कि मेरा क्रिकेट से थोड़ा बहुत सरोकार है। छात्र राजनीति से रहा तो सिर्फ क्रिकेट की टीमें भेजता था, क्रिकेट खेला नहीं। वैसे ही इस डीसीए के चुनाव में भी मेरा ये सरोकार है कि भाई सुशील को इस पद तक लाने के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी है तो उसके पीछे, इसलिए इसके हर कार्यक्रम में आना मेरा सौभाग्य बनता है और मैं इसको हर जगह से साथ रह के, मुझे मंच की नहीं पीछे से इसके साथ रह के सहयोग करेंगे। माननीय बडाना साहब यहाँ बैठे हुए, तो मैं आपको बताऊं कि ये अभी आपका बीसीसीआई हो या आरसीओ हो, वहां भले कितनी उठक पटक चले पर हमारा डूंगरपुर का क्रिकेट आजादी के पूर्व से बहुत ऊपर था और वापिस जो डम हुआ था उसको भाई सुशील ने एक नई ऊंचाई दी, उसी ग्राउंड में ये जो रंगत दी। न केवल इस टूर्नामेंट डीपीएल की बात करें, अन्य सामाजिक टूर्नामेंट हो या क्रिकेटर की आपकी जो शील्डें होती है राजस्थान लेवल की, उसके सिलेक्शन की बात हो, उस सभी में कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए जो काम होना चाहिए वो हो रहा है। इनकी टीम में इन्होंने बताया कि भाई 23 में से 17 क्रिकेटर है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे डूंगरपुर से क्रिकेटरों की खान, खास करके महिला टीम को भी इन्होंने प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपका ये जो 8 तारीख को वापिस चुनाव हो रहा है और वो हाथियों के दंगल में हमारा ये शेर कहीं पिछड़ न जाए, हमने बड़े संघर्ष से इसको बना के और यहां तक ला के बैठे हैं, क्योंकि ये केसरिया और तिरंगा वहां बदलते रहे, कौन आए कौन जाए, तो उसमें इस लड़ाई में क्योंकि इसके पीछे कभी किसी का हाथ हो कभी किसी का, पर ये सच्चा क्रिकेटर है और सच्ची क्रिकेट है, तो डूंगरपुर इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा। अगर ऊपर से ऐसी कोई गलती हो तो बडाना जी और आपकी टीम है, आप जो भी राजस्थान से बधा रहे हो, सभी से ये विनती है कि हमारे क्रिकेट को सुचारू करने के लिए और आपके आरसीए के एल्बम में अच्छे फोटो, राजस्थान में कितने कार्यक्रम हुए उसके लिए सुशील से बढ़िया माध्यम आपको नहीं मिलेगा। तो सुशील के इस कार्यकाल में किसी प्रकार की बात रही डूंगरपुर क्रिकेट की, तो आपके नए कार्यकाल के जो भी अध्यक्ष बने, भाई धनंजय सिंह जी आवे तो ही, पराक्रम सिंह जी आए बताए या एक्स वाई जेड कोई भी आए, उनको आश्वासित करना कि एक जिला तो ऐसा है जो आरसीए की शान को बनाए रखेगा। इसलिए डूंगरपुर की तरफ से आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। वही डूंगरपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का आगाज संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर अंकित सिंह ने खेल कर किया। कलेक्टर की बॉल पर संभागीय आयुक्त ने शॉट मारा और बाद में शुरू हो गया डीपीएल। पहला मैच सिमलवाड़ा स्टॉइकल व गलियाकोट लॉयंस के बीच हुआ। डीसीसी के सचिव सुशील जैन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और डीपीएल के बारे में जानकारी देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। खेलने का प्रयास हिट किया, और ये लगातार दूसरा विकेट यहाँ पे गिरा है आवाज खान की गेंद से, और अभी ही आए थे और वेस्टव सर आपके ऑफ साइड पर इसी भी चकली गेंद, और इस गेंद को हल्का सा ड्राइव किया उन्होंने वहां पर ऑफ साइड पर, गेंद को फील करते तब तक एक रन प्राप्त कर लिया। इसे एक रन फाइन लेग, एक मिड विकेट, थोड़ा सा स्क्वायर लेग, एक डीप लॉन्ग ऑन, ये फील्डिंग इसी भी चकली गेंद, और इस गेंद को ड्राइव किया उन्होंने ऑन साइड पर, गेंद को फील करते तब तक थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। और पहले जब शुरुआत की थी गलियाकोट की टीम ने, सिमरवाड़ा की टीम ने, तो पहले ही ओवर में 15 रन बनाए थे, पहला विकेट पार्थ के। पुनः मैं जिला क्रिकेट संघ डूंगरपुर की तरफ से हमारे संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन सर का, हमारे जिला कलेक्टर महोदय अंकित कुमार सिंह जी का और जो अन्य अतिथि बता रहे हैं उन सबका पुनः जिला क्रिकेट संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही जितने भी ऑडियंस हैं उन सबका थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर आपका सपोर्ट मिला था हमें, तो मैं अपेक्षा ये करूंगा इस बार भी उससे अच्छा सपोर्ट मिले और हम अच्छा इवेंट करा सकें। और मैं आपको बता दूं कि पिछले एक महीने पहले बासड़ा में एक इवेंट हुआ था डे नाइट, जिसमें सर बता रहे थे और काफ़ी अच्छा माहौल था, और मैं बता दूं उसमें कुछ होता है छोटा मोटा विवाद हर जगह होता है, मगर सर ने इतनी अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि सर का जो शांति मिला है, और मैं चाहता हूँ कि क्लोजिंग सेरेमनी में सर बता रहे हैं और कलेक्टर साहब को भी मैं निवेदन करूँगा कि आप एक अच्छे क्रिएटर हैं, तो आप एक फ्रेंडली मैच के लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि एक फ्रेंडली मैच करते हैं, तो सर ने एक्चुअली कई व्यवस्था के खातिर मना कहा, और मैं अपेक्षा दोनों अधिकारियों से करूँगा कि आने वाले टाइम में डीसीए एक मैच करवाए प्रशासन के साथ, तो आपका सहयोग मिले। पुनः डीसीए की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत और धन्यवाद। साथ ही जितने भी मीडिया आप के साथी आए उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा कवरेज दिया इस टूर्नामेंट को, उसके लिए स्पेशली थैंक यू फॉर डूंगरपुर मीडिया, धन्यवाद। एक पुनः एक बार